इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, उन नंबर्स को जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट पार्ट है, अब इसको जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट जो है हमारे यहाँ लगना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है पॉइंट 8 के बाद आएगा, यहाँ पर आएगा। तो देखिए किस टाइप से हम करेंगे। अब पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितनी डिजिट के बाद आया, तो 8.5, और नीचे जो है कितने डिजिट के बाद आया पॉइंट काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम 12 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इजिकल टू 8.5 अपॉन, अब देखिए नीचे जो है 12 जीरो है, तो ये 10 की पावर, अब 12 जीरो है तो 10 की पावर के रूप में जो है 12 आ जाएगा। तो जितने जीरो होते हैं वो पावर के रूप में आ जाते हैं, तो ये होगा 10 की पावर 12। अभी पावर जो है नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके जो है निगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, आंसर हो जाएगा ये हमारा। सेकेंड पार्ट है, देखिए ये भी इसी टाइप से करेंगे, पॉइंट जो है हमारा यहाँ लगा हुआ है और पॉइंट जो है हमारा आना चाहिए 9 के बाद में, तो देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, उतने जीरो नीचे लग जाएंगे, यानी 9.42 हो जाएगा, यानी 9 के बाद लगाएंगे। यहाँ तक देखेंगे संख्या को काउंट करेंगे कितने डिजिट के बाद आया, उतने जीरो हम नीचे लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 डिजिट के बाद आया, तो नीचे जो है 12 जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इजिकल टू 9.42। अब देखिए 12 जीरो है, तो ये जो है 12 जीरो 10 की पावर के रूप में आ जाएंगे, 10 की पावर 12 हो जाएगी। अब इस पावर को जो है हम ऊपर लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। थर्ड पार्ट है, अब देखिए यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो हम जो है इस साइड से लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे, और जो है हमारा पॉइंट जो है 6 से पहले आना चाहिए। तो यहाँ तक की हम संख्याएं देखेंगे कि कितनी डिजिट के बाद आया, तो वो जितनी डिजिट के बाद आया उतने ही वो पावर के रूप में आ जाएगी संख्या। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लगेगा 6.02, तो मल्टीप्लाई, तो 15 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लगेगा, तो ये 10 की पावर जो है वो 15 हो जाएगी। जितने डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लगता है उतने ही जो है पावर के रूप में वह संख्या आ जाती है। तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ गया स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट है, अब देखिए पॉइंट हमारे यहाँ लगा है और पॉइंट आना चाहिए हमारा 8 के बाद, तो हम यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को काउंट करेंगे कितनी डिजिट के बाद में पॉइंट आया है, उतनी डिजिट जो है वो 10 के रूप में आ जाएंगी। तो देखिए काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 डिजिट के बाद आया, तो 8.37 अपॉन, नीचे जो है 9 जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इजिकल टू 8.37, तो ये जगह 10 की पावर 9 इजिकल टू 8.37
अब ये पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो हम जो है लेफ्ट साइड से पॉइंट को लगाएंगे, और जो है पॉइंट जो है हमारा 3 के से पहले आएगा, और यहाँ तक की संख्याओं को हम काउंट करेंगे कि कितने बाद आया, उतनी जो है 10 के रूप में आ जाएगी संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लगेगा, तो 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो देखिए स्टूडेंट्स काउंट करेंगे, काउंट करेंगे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट आएगा, तो उसकी पावर जो है 10 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारा 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हम यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे थे, और इस क्वेश्चन में हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे जो है हम 10 की पावर माइनस 6 है, इस पावर को जो है नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 3.02 अपॉन 10 की पावर 6 इजिकल टू, अब देखिए ऊपर जो है 2 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है हट जाएगा और नीचे जो है 2 जीरो आ जाएंगे। और देखिए ये जो है 10 की पावर 6 है, तो जो है इसके आगे जो है वो 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नीचे जो है 8 जीरो है, तो ऊपर जो है 8 डिजिट की लेफ्ट में पॉइंट आ जाएगा। देखिए हमारे पास 3 डिजिट तो पहले से ही अवेलेबल है, अब जो है हमें पॉइंट लगाना है 8 डिजिट के लेफ्ट में, तो उसके आगे जो है जीरो लगा के जो है हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए कितने जीरो लगने हैं, 3 डिजिट तो है हमारे पास, तो 5 जीरो और लगेंगे, तभी 8 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट के बाद जो है पॉइंट आ गया हमारा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब देखिए 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 4 है, तो जो है 1 के आगे जो है 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट है, तो जो है पॉइंट हमारा हट जाएगा, तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 45 की 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45,000। ये स्टूडेंट्स यूजुअल फॉर्म में चेंज हो गया। थर्ड पार्ट है, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8, तो 3 अपॉन ये पावर माइनस की है, तो इसे नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, इजिकल टू 3 अपॉन, अब 10 की पावर 8 है, यानी कि हमें कितने जीरो लगाने, 8 जीरो लगाने हैं, जितनी पावर लगी होती है उतने ही जीरो हम लगाते हैं। तो देखिए कितनी पावर है इसकी, 8 है, तो 8 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है ऊपर जो है 8 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट आ जाएगा, अब हमारे पास जो है 1 डिजिट तो अवेलेबल है, लेकिन उसके आगे 7 जीरो हमें लगाने पड़ेंगे, तब जो है पॉइंट लगेगा, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 1.0001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कितने डिजिट के इलेक्ट्रॉन पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 डिजिट के इलेक्ट्रॉन पॉइंट है। तो नीचे जो है पॉइंट हटा देंगे तो नीचे जो है 4 0 आ जाएंगे। ये पॉइंट हटा दिया तो नीचे जो है हमारे 4 0 आ गए मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो देखिए जितनी पावर लगी होती है उतने जीरो हम राइट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीरो हमने लगा दिए और नीचे है 4 0। तो ये 4 0 से ये 4 0 हमारे कैंसिल हो जाएंगे और जो जीरो बचेंगे वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10001। अब कितने जीरो बचे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 5.8। तो 1 डिजिट के इलेक्ट्रॉन पॉइंट है तो पॉइंट हटके जो है 1 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 12 है। तो 12 0 हम लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 58 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58 और कितनी जीरो आ जाएंगे हमारे, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो ये स्टूडेंट्स हमारा यूजुअल फॉर्म में व्यक्त हो गया। सिक्स पार्ट है, अब देखिए यहाँ पर जो है कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट हट के जो है नीचे 5 0 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 6। तो यहाँ ऊपर 6 0 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखिए 5 0 से ये 5 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 की मल्टीप्लाई इस नंबर से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, 6, 1, 4, 9, 2, 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं उन स्टेटमेंटों में कुछ नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर को जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट पार्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10,00,000 meter। अब इसको जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो इसको लिखेंगे 1/10 और नीछे कितने जीरो हैं स्टूडेंट्स, 6 0 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 हैं। तो नीचे जो है जितने जीरो होते हैं उतने जो है 10 की पावर के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा 10 की पावर 6 इजिकल टू, अब नीचे जो है पॉजिटिव पावर है तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो 1 × 10⁻⁶ meter ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है, अब इस नंबर को जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए पॉइंट जो है हमारे यहाँ लगा हुआ है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है पॉइंट 1 डिजिट के बाद लगेगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं आई वो संख्याएं जो हैं उनको जो है हम 10 के पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए ये आया हमारा 1.6 अपॉन, अब देखिए
यहां तक जो है कितने डिजिट के बाद में पॉइंट आया, तो उतनी जो है 10 की पावर में हम लिख देंगे। देखिए 3, 3, 6, 6, 9, 9 और 3, 12, 12 और 3, 15, 15 और 3, 18, 18 और 1, 19। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19 इजिकल टू, अभी पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके जो है वो निगेटिव हो जाएगी, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, देखिए ये नंबर हमें गिवन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए पॉइंट जो है 5 के बाद आना चाहिए, तो देखिए कितनी डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, जितनी डिजिट के बाद पॉइंट आएगा वो जो है 10 की पावर में उतने नंबर हमारे लग जाएंगे। तो देखिए 5 अपॉन कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगेगा, तो 10 की पावर 7 हो जाएगी। अब ये पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये निगेटिव पावर हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 7 मीटर। फोर्थ पार्ट है, अब देखिए इस नंबर को भी जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए पॉइंट जो है हमारा यहाँ लगा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट जो है 1 डिजिट के से पहले लगना चाहिए, अब पॉइंट जो है 1 के बाद लगना चाहिए यहाँ पर, तो कितनी डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 1.275 अपॉन 10 की पावर 5। तो इसको जो है हम ऊपर लेके जाएंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, 1.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 मीटर। फिफ्थ पार्ट है, अब देखिए 0.07, अब देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद है, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। इस टाइप से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू 7 अपॉन कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है पावर, तो ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक। एक स्टॉक में 5 बुक्स हैं और प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है एंड 5 पेपर शीट हैं और उन 5 पेपर शीट की जो थिकनेस है यानी मोटाई है वो 0.016 मिलीमीटर है, तो हमें जो है स्टॉक की जो है टोटल थिकनेस फाइंड करनी है, यानी कि कुल मोटाई फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स पहले जो है हम 5 बुक्स की थिकनेस फाइंड कर देंगे, थिकनेस ऑफ 5 बुक की गिवन है हमें, सॉरी स्टूडेंट्स 1 बुक की गिवन है, इक्वल टू 20 मिलीमीटर। अब जो है हम 5 बुक की थिकनेस निकालेंगे, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू 5 की जो है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 बुक की थिकनेस फाइंड हो जाएगी, तो 20 मल्टीप्लाई 5 बराबर 25 जो 100 मिलीमीटर, ये 5 बुक की थिकनेस आ गई। अब जो है हम 5 पेपर
शीट की थिकनेस फाइंड करेंगे। हमें जो है वन पेपर शीट की थिकनेस गिवन है, तो थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट इज इक्वल टू हमें गिवन है 0.016 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ फाइव पेपर शीट इज इक्वल टू 0.016 की जो है फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्सटीन फाइव जा 80। अब देखिए कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 3 डिजिट के लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो देखिए 1 2 3 जीरो लगा देंगे तब पॉइंट लगा देंगे हम, तो ये आ गया हमारा 0.080 मिलीमीटर। ये जो है पेपर शीट फाइव पेपर शीट की थिकनेस आ गई। अब जो है हमें टोटल थिकनेस फाइंड करनी है, तो दोनों की थिकनेस को जो है प्लस कर देंगे, तो हमारी जो है टोटल थिकनेस फाइंड हो जाएगी। द टोटल थिकनेस इज इक्वल टू फाइव बुक की थिकनेस आई थी 100 और प्लस और फाइव पेपर सेट की थिकनेस आई 0.080। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100.080 मिलीमीटर, ये स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा हमारा। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।